हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फाइनली मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और जो कि फ्रेंड्स हमारे पास यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल का फ्रेंड्स ये कस्टम यूआरएल यानी कि हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स अपना बोलने के यूट्यूब चैनल का एक लिंक यानी कि हम कैसे बना सकते हैं आप सबको वही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपसे वीडियो बने रहे और जान जाएंगे फ्रेंड्स इनकी कस्टम यूआरएल क्या होता है और कस्टम यूआरएल क्यों बनाते हैं और इनके हमें क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आप सबको बता दूँ कि कस्टम यूआरएल जो कि हमारे चैनल का एक लिंक होता है, जैसे मैं फ्रेंड्स इनकी कहीं पर भी हम शेयर करेंगे फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सअप आप सब बोले नहीं कहीं पर भी, तो हमारा चैनल का लिंक यानी कॉपी कर यूट्यूब से और उसके बाद इनकी शेयर करना पड़ेगा। मगर फ्रेंड्स हमारे चैनल का अगर लिंक बन जाएगा तो हमें कोई ही पर से इनकी कॉपी नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब पर से कॉपी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसी कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे www.youtube.com/ आपका चैनल का जो नेम है ना वो लिख देंगे और .com लिख देंगे तो आपका चैनल का लिंक बन जाएगा। जैसे ही पठाएंगे तो आपका चैनल का लोगो आ जाएगा, वहां पर कोई भी दोस्त आपका क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल में वो चले जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये लिंक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये लिंक यानी कि मैं बनाने के लिए आपको बता दूं कि आपके चैनल पर सबसे पहले इनके 100 सब्सक्राइबर इनकी होना जरूरी है, ठीक है। इनकी 100 सब्सक्राइबर इनकी होगा ना तो आपका चैनल पर इनकी कस्टम यूआर इनेबल होगा, ठीक है। तो फिर मैं चैनल चेकिंग करता हूं तो बहुत ही दोस्तों को देखता हूं कि उसके चैनल पर इनकी 1K 500 600 यानी बोलेंगे बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर होता है तो भी उस दोस्तों का इनके कस्टम यूआरएल इनेबल नहीं होता है। और मैं बोलता हूँ कि कस्टम यूआरएल इनेबल कर लीजिए तो बोलता है कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाएंगे कस्टम यूआरएल क्या होता है और कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मेरा भी चैनल पे एक 100 सब्सक्राइबर हुआ है जिससे हमें एक बोले कि कस्टम यूआरएल नहीं इनेबल करा, बल्कि फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल का आप सब इनके देखते होंगे और उसको नहीं देखे तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, आइकन पर एक वीडियो लगा दूंगा तो उससे पहले प्लीज ये वीडियो आप भी देखिए। और आपसे एक बता दें फिर से कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर मेरा इनके बोलेंगे 100 सब्सक्राइबर बहुत ही पहले ही हो गया था मगर मैं इनकी इनेबल नहीं करा था, ठीक है। तो चलिए आज आप सभी को बताऊंगा फिर इनेबल कैसे करते हैं और उसका फिर से इनकी फायदा क्या है मैं आपसे बता ही दिया कि कहीं पर आप करेंगे ना तो इनकी direct.youtube.com/ आपका चैनल का जो नेम है .com लिख देंगे और आपका इनके लिंक वहाँ पर जाएगा तो आपका यूट्यूब चैनल इनके डायरेक्ट इनके बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आपका लिंक होता है इनकी, हमें दो लिंक इनकी मिलता है, ठीक है। एक इनके हम अपने से बनाते हैं कस्टम यूआरएल जो कि मैं बता रहा हूँ और एक लिंक फ्रेंड्स जो अभी इनके हम चैनल क्रिएट करते हैं उसी वक्त हमें इनके यूट्यूब दे देता है, ठीक है। तो फिर यूट्यूब देता है वो लिंक ना हमें बोलिए कि वो ऐसा बोल के याद नहीं होगा, ठीक है। होता है फ्रेंड्स https.com/ कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स हमें याद नहीं होगा, ठीक है। मगर फ्रेंड्स अपने से जो लिंक बनाएंगे वो इनकी याद रहेगा तो कहीं पर भी इनके लिख देंगे कमेंट बॉक्स में किसी को भी तब हमारे चैनल का लिंक बन जाएगा, वहाँ पर क्लिक करते ही हमारे चैनल का पेज में चले जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो बना है, मैं इनके मोबाइल इस पर ले चल के आप सबको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कस्टम यूआरएल जो कैसे हमें इनेबल करना है और आप इनकी जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी वीडियो बने रहे प्लीज देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मैं इनकी यूट्यूब को ओपन कर क्योंकि फ्रेंड्स इनके हमारा यूट्यूब में आपसे दिखा दूँ कैसा जो कि कस्टम यूआरएल इनकी लिंक बनेगा तो हो जाएगा। आपसे को सबसे पहले इनके मेरे चैनल पेज में इनकी मैं ले जाता हूँ और उसे चैनल पेज में जाने के बाद देखे फ्रेंड्स अबाउट सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड में देखे फ्रेंड्स हमारा लिंक इसमें जो कि कस्टम यूआरएल जो कि इनेबल है, देखिए यहाँ पर www.youtube.com/santoshparwanaofficial जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम जहाँ कहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट मेरे चैनल का लिंक बन जाता है। अगर फ्रेंड्स यही आपसे बता दूँ कि मैं इनकी एक में जो कि मैं लिंक कस्टम यूआरएल अभी तक नहीं यानी कि बनाया हूँ तो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप सबके यहाँ पर दिखा दो चैनल पेज में जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला चैनल में मैं जाता है अबाउट वाला सेक्शन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है http://youtube.com/UCG जो कि फ्रेंड्स ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये लिंक ना हम कहीं पर चूँकि नहीं लिख सकते क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये ना याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिए और चलिए हम इनकी इसको इनकी आपसे बता दूँ कि इसी को फ्रेंड्स इनके हम बोलिए कि यहाँ से इनके हम हटाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी यही से जो कि हटाएंगे तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर भी मेरा ब्लॉग चैनल में इनकी मैं लिंक क्रिएट कर लिया हूँ तो उसमें इनकी मेरा लिंक बताएगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो कि वैसा यहाँ पर लिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके इनके हम लिंक बोले इनकी यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इनकी वाइट स्टूडियो क्रोम ब्राउजर से इनकी लॉगिन होगा, ठीक है। इनकी ब्राउजर से आप सब इनकी वाइट स्टूडियो में जाइएगा और लॉगिन डेस्कटॉप वर्जन कर और वहाँ पर आप सबको सेटिंग करना होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले इनकी वाइट स्टूडियो अपने ओपन कर लेता हूँ डिस्टर्ब मोड करके ब्राउजर से। तो चले फ्रेंड्स हमारा डैशबोर्ड इनके ओपन हो जाने के बाद आपसे बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्ट इनके हमें क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे इनकी स्क्रॉल करेंगे ऊपर के साइड में तो फ्रेंड्स बहुत ही सारे इनके यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देखिए एक कस्टमाइजेशन के इनके ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसी कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर एक न्यू टैब इनकी ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका नेट जो कि जितना फास्ट होगा उतना जल्दी काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये
थोड़ा नेट स्लो स्कैन जो काम नहीं कर रहा है, और उसमें देखे फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सारे इनके ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेआउट का इनके ऑप्शन है और एक ब्रांडिंग का ऑप्शन है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स इनकी हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला पर, तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्ट फ्रेंड्स इनकी हम क्लिक करेंगे। तो जैसे फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड देखे फ्रेंड्स हमारा एक लिखा हुआ है, आप तो यहाँ देखिए चैनल URL। ठीक है यानी कि हमारा फर्स्ट में URL रहता है वो है, और इनके हमें बोल रहा है सेट अ कस्टम URL फॉर योर यूट्यूब चैनल, इनके बोल रहा है कि हमें सेट इनके कस्टम URL इनके हमें करना है। ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स हम सेट करने के लिए यही वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर नीचे साइड में इनके हमारा चैनल जो कि आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रहा है कि आप यही जो कस्टम URL देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप इनके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनके अपने चैनल का ही URL दे दीजिएगा। ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स चैनल का URL देंगे तो इनके अच्छा रहेगा। ठीक है तो फ्रेंड्स हमें चैनल का URL जो कि बन गया है यहाँ पर बता रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी एड लेटर लिखा हुआ है या सेकंड वाला ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चेंज वाला ऑप्शन इनके आ जाएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स चेंज वाला भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हमें इनकी फर्स्ट वाला लिंक इनकी रहने देना है, और रहने के बाद फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है इनके ऊपर के सारे पब्लिश वाला। ठीक है तो फिर पब्लिश वाला ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक इनके बन जाएगा। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स इनके पब्लिश वाला ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, तो जैसे फिर पब्लिश वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा फ्रेंड्स इनके आप कस्टम इनेबल करे हुए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से इनकी बता रहे कि चेंज नहीं होगा। ठीक है देखिए एक ही दिन में आप कस्टम इनके मिला लीजिएगा तो मेरा ठीक है फिर www.youtube.com/santoshcoronailectronics। ठीक है और यहाँ पर कन्फर्म वाला ऑप्शन की मैं क्लिक कर दूंगा, तो जैसे मैं कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा लिंक जो कि क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं चेंज इनके पब्लिश लिख दिया और यहाँ पर नीचे साइड में देखेंगे तो फिर दो लिंक इनके आप बताएगा। देखिए फिर या एक इनके पहले वाला लिंक है जो कि YouTube से मिलता है वो लिंक, और एक जो कि मैं फिलहाल जो कि क्रिएट कर रहा वो लिंक है। ठीक है तो जैसे फिर इनकी ये कॉपी करेंगे यहाँ से हम कॉपी कर देंगे फिर इनके और कोई भी ये पेस्ट करेंगे ना तो हमारे ये काम करेगा। ठीक है तो फिर आपको इनके दिखाने के लिए चलिए यहाँ पर मैं इनके क्रोम ब्राउज़र को इनके डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे वही वाला लिंक, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इनकी कॉपी कर रहा तो वही लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सॉरी फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ वो लिंक जो कि कॉपी नहीं हुआ था फ्रेंड्स इनके, चलिए यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट फ्रेंड्स इनके www.youtube.com/santoshcoronailectronics। ऐसे लिख देंगे आप इनके ध्यान से देखिए और यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारा लिंक जो कि क्रिएट हुआ था वो इनकी आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट इनकी मेरे यूट्यूब चैनल में इनकी कोई भी दोस्त इनकी चले जाएगा, तो देखिए आपसे सामने फ्रेंड्स इनकी मैं इनकी ऐसा लिखा और यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये हमारा बैठा रहा है हमारे जो कि देखिए फ्रेंड्स हमारे चैनल के इनके डैशबोर्ड में इनकी आ चुकी है और यहाँ पर हमारा टोटल जो कि वीडियो वीडियो यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने इनकी मैं सर्च करा देखिए यहाँ पर www.youtube.com/santoshcoronailectronics लिख कर, तो फ्रेंड्स हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है और आप इनके दिखाने के लिए चलिए एक बार मैं YouTube होता है YouTube में आपको दिखा देता फ्रेंड्स वहाँ पर चेंज हो गया होगा, यानी कि वहाँ पर जो पहले जो दूसरे टाइप का इनके दिखता था अब इनके दूसरे टाइप का हमारा दिखेगा। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स योर चैनल में जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाला पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो जैसे फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला चैनल में जाते हैं अबाउट वाला सेक्शन में देखिए फ्रेंड्स हमारा लिंक जो कि हमें क्रिएट हो चुका है, और फ्रेंड्स ये हम कहीं पर भी इनकी www.youtube.com/santoshcoronailectronics लिखेंगे तो हमारा लिंक बन जाएगा आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा दिया फ्रेंड्स मेरा लिंक बन गया। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको देख कर इनकी जान गए होंगे फ्रेंड्स इनकी कस्टम URL बोलेंगे कि हमें कैसे इनेबल करना है आपसे, फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल संतोष पर होना ऑफिशियल पर नए थे कृपया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं, और साथ में फ्रेंड्स मैं इनकी आपसे टोटल प्रोसेस बताएगा फ्रेंड्स कैसे काम करता है आप देख लीजिए मेरा एक चैनल संतोष परवाना ब्लॉग्स और ओपन और इलेक्ट्रॉनिक ओपन है प्लीज़ जाकर चेकआउट जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कोई भी सलाह सुझाव प्लीज़ जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में ले दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट से ही हमें इनकी वीडियो बनाता हो, तो चलिए आगे वीडियो का लंबा न करते ये पिन करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलेगा।